चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी से जन जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। सीमावर्ती राज्यों में नया वेरियंट मिला है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, इसीलिए मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब किसी का भी भला नहीं किया। कोर्ट का निर्देश है, वो निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया। इस विषय पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग को करना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, फिर मैं ये कहूंगा कि ये निर्णय, ये जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चुनाव आयोग के बीच का है। इसमें हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। हमें जो भी आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे चुनाव आयोग की ओर से। भी जरूर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जाना ही चाहिए। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता के बीच जाने का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है। पर यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हर विषय पर जनता के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए, पर उनका ये कर्तव्य भी है कि उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि वो 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया। उनका ये भी कर्तव्य है कि उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि संबल योजना कांग्रेस ने क्यों बंद की। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था क्यों चल रही थी। अच्छा रहेगा वो जाए जनता के बीच में, पर हर तरह से बातें करे और इस बात का खेद जरूर व्यक्त करे कि उन्होंने 15 महीने जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का कहीं भी किसी भी स्तर पर भला नहीं किया। कि रोज पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। पर उसके बाद भी हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।